प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 में दिए गए एक्टिविटी नंबर 2 इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 में एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं एक बॉक्स के अंदर, और ये सारे एक्शन वर्ड्स जो कि हम साधारणतः रसोई घर में यानी किचन में जब हम काम करते हैं तो उससे ये सारे वर्ड्स रिलेटेड है। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि एक्शन वर्ड्स यानी वो सब जिसे पता चलता हो कि कोई कार्य हो रहा है, तो उन सारे वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। स्क्वीज, स्ट्रेन, ऐड, फ्राई, रोल, पोर, वॉश, हीट, स्टीयर, मिक्स, बॉयल, कट। अब इसके अर्थ हम समझ लेते हैं। स्क्वीज यानी निचोड़ना, जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं। स्ट्रेन यानी छानना, जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं। ऐड यानी मिलाना, जैसे कि शरबत में हमने नमक मिलाया या फिर चीनी मिलाई। फ्राई यानी तलना, जैसे कि पापड़ को तेल पे तलते हैं। रोल यानी लपेटना, जैसे रोटी को रोल बनाया जाता है। पोर डालना, जैसे जग से ग्लास पर पानी डाली जाती हो। वॉश यानी धोना, जैसे बर्तन वॉश किया जाता है। हीट यानी गर्मी, जैसे चूल्हे पे जब हम कोई पैन वगैरह हम लोग गर्म करने रखते हैं। स्टीयर यानी हल्के हल्के मिलाना, जैसे कि चम्मच से ग्लास को जब हम शरबत को घोलते हों तो स्टीयर करते हैं। मिक्स यानी मिश्रण करना, मिलाना। बॉयल उबालना। कट यानी काटना, जैसे सब्जी या फलों को काटा जाता हो। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, और इसमें कहा गया है कि ये सभी जो वर्ड्स हैं वो आमतौर किचन से रिलेटेड है। तो आप लोग को क्या करना है, इसे पहले अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसकी स्पेलिंग वगैरह आप लोग को याद कर लेनी है, और फिर अपने नोटबुक्स पे इसे लिखना है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग कर लोगे। थैंक यू।